अमरीश की तो मुसीबत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि शालिनी जब उससे मुलाकात करती है तो अब उस पर दबाव बनने लगती है उस वापस जिंदगी में आने की। हालांकि अब अमरीश मुझसे प्यार करता है तो उसकी बातों में कहीं ना कहीं धीरे धीरे आ रहा होता है। बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की तो एपिसोड की स्टार्टिंग जल्दी होती है। अब यहाँ पे शादी करनी है तो सारे फंक्शन होने लगते हैं, लेकिन जब अमरीश ये नोटिस करता है कि वहाँ पे शालिनी आई हुई है तो बहुत चिंतित होता है कि आखिर ये यहाँ पे क्या कर रही है। जब जाकर उससे पूछता है कि अगर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो तो बता देती है कि मैं तुम्हारे बेल करवाने के लिए यहाँ आई हूँ और मैं आज भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। लेकिन अमरीश के दिल में जो उसके लिए नफरत होती है वो सब खुल के सामने आती है क्योंकि वो सिर्फ इतना चाहता था कि वो उसके साथ में रहे, उसके सपनों को पूरा करने के लिए वो कोशिशें करे। लेकिन तब जब सगाई हो रही थी तब तो एक फोन कॉल पे से चली गई थी, तो इसको चिंता ये थी क्योंकि अगर बाद में जाकर के फिर से शादी करता इससे और कहीं फिर ऐसा होता फिर चली जाती। और वैसे भी इसकी मोम की तबीयत उस टाइम बहुत खराब थी और अम्मा की मदद करने के लिए किसी न किसी का होना बहुत जरूरी भी था। तब इसने हेतल से जाकर के शादी की, लेकिन शालिनी को लगता है कि नहीं, हेतल से शादी करने के पीछे भी इसका कुछ बहुत बड़ा रीजन था क्योंकि इसको पैसे की जरूरत थी और हेतल बहुत पैसे वाली थी। और तब ऐसी बातें बोल करके कहीं ना कहीं वो उसको भी हर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो साफ बता देता है कि नहीं, वो पैसे के लिए नहीं बल्कि हेतल वाकई में अच्छे थे और उसका एक बच्चा भी है, तो प्लीज तुम ये सब बातें ना करो। और वो उसको मना करता है कि मैं दोबारा तुम्हारी लाइफ में नहीं आ सकता, लेकिन वो बोलती है कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता और मैं तुम्हें पा करके रहूंगी। उसे जबरदस्ती गले लगा लेती है। अब अमरीश देखो कैसा भी है, लेकिन पहले प्यार को इंसान कैसे भूल सकता है, बहुत कम ही होते हैं जी पहला प्यार नसीब होता है। और वैसे भी चाहे वो आज आए, 100 साल बाद आए, 10 साल बाद आए, लेकिन प्यार तो प्यार ही होता है ना। वहां पे वो भी समझो तो खुद ही खुद असमर्थ हो जाता है कि वो कैसे रोके शालिनी को। लेकिन जब वहां से जाता है तो इसके इयररिंग उसके कपड़े पे लटक जाती है, उसके कपड़े पे फंस जाती है और अब उस इयररिंग को लेकर के बेचारा अंदर चला जाता है, इसको ध्यान नहीं होता। हालांकि बाद में जब ये हेतल के सामने आएगी कि शायद किसी औरत की इयररिंग है तो अब अमरीश नई नई कहानियां बनाएगा, नई नई झूठ बोलेगा। लेकिन शालिनी पूरी तरीके से फैसला कर लेते हैं कि अगर अमरीश को अपने काबू में लानी है, उससे अपनी करीबियां बढ़ानी है तो किसी और का नहीं बल्कि नताशा मखवाना को अपने अंडर लाना होगा। अगर वो मान गई तो अमरीश खुद ब खुद मान जाएगा और उसका सपना भी पूरा हो जाएगा। तो शादी तो जहाँ हो जाती है, पुलिस भी बहुत खुश होती है। तो यहाँ पे सुमन जल्दी से भाग जाती है क्योंकि वो यहाँ पे रहना नहीं चाहते विदाई के वक्त तक। अब वो चली जाती है, जब विदाई की बारी आती है तो शीश और मिठू को विदा करना पड़ता है नताशा को और फैसला कर लेते हैं कि हम तुम्हारे साथ में हैं, बाकी घर वाले तो चले गए हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। नताशा धवल के साथ में ऐसे निकल जाते। बाद में वही सारी बातें जो एग्रीमेंट को लेकर उठती हैं और अपने पेपर से लिखे गए जो भी कारण होते हैं कि आगे ज़िंदगी को कैसे डाइवर्ट करनी है, ये सारी चीज़ें बहुत अजीब होती हैं। नताशा की जो शर्तें होती है उसे सब कोई मानता है, लेकिन अब शालिनी की जो इस स्टोरी को डाइवर्ट करने की पूरी कोशिश होगी वो नेक्स्ट लेवल और काफ़ी मज़ेदार होगी। हालांकि कोई भी इसके एक्स्ट्रा प्लॉट नहीं आए हैं, बट फिर भी हमें बहुत जल्दी इसके एक्स्ट्रा प्लॉट देखने को मिलेंगे जो पूरी तरीके से आने वाले एपिसोड को जस्टिफाई कर देंगे। खैर मैं एक्साइटेड हूँ इस चीज़ को लेकर के कि जब शालिनी घर में एंटर करेगी तब कौन सा तमाशा होने वाला है। हालांकि ये हेतल के लिए थोड़ी सी मुसीबत भी क्रिएट करेंगी और जो सच में यार मज़ेदार तो होगी ही होगी। खैर हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।